चलो भाई, कल इंग्लैंड से जयमाला आंटी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि आप बहुत बार फ़ोन किया, रेसिपी बहुत देखती हैं और खाने के भी बड़े शौकीन हैं सब लोग, और गुलनार भी बहुत वीडियो देखती हैं, हमारी रेसिपी देख देख के सभी लोग बना रहे हैं, काफ़ी लोग विदेशों में रहते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ते वाला मटन, और इसे गौर से सुनना और गौर से देखना हम कैसे बना रहे हैं और किस तरीके से बनता है पत्ते वाला मटन। और इसको हार्ड जो है पेशेंट के लिए भी है, इस जो ऑयल नहीं खाते हैं, जो चिकना नहीं खाते उनके लिए भी बेस्ट है, और शुगर पेशेंट भी बहुत आराम से खा सकते हैं, ठीक है। तो आप बना देखिए, ये मटन लिया है मैंने, ये देखिए ये मटन लिया है और इसको पत्ते पे यूँ कर लिया है ये, ठीक। अब इस ये बॉयल कर लो मटर, आराम से बॉयल करके, आराम से जब बॉयल हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि अगर पत्ता नहीं मिलता तो आप प्लेट में भी इसे बना सकते हो। और इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे पहले आप बता दें। ये कुटी मिर्च है जो मैंने पहले बताया था, ये दलदली धनिया है वो भी मैंने बता चुका हूँ, और ये भुना जीरा है पाउडर ये भी है, ठीक है, ये भी बता दिया। ये नहीं बताया था, ये त्रिफला नमक है, इसको जरा ये जो डालने जा रहे हैं त्रिफला नमक है। इसमें तीन प्रकार के नमक बनाए में लाया है, सेंधा नमक है, सफ़ेद नमक है और काला नमक है, सबकी मात्रा बराबर बराबर में मिला के और इसका नाम दिया है त्रिफला नमक, ठीक है। ये हरी मिर्च है और ये टमाटर की चटनी है। इस टमाटर में मैंने एक हरी मिर्च मिलाया था, थोड़ा सा नमक मिला के पीस लिया है इसमें डालने के लिए। ये धनिया है, ये टमाटर है और ये नींबू। अब देखिए प्याज, टमाटर नहीं, टमाटर नहीं, देखो ऐसा ना कर भूल गए, देखो ये नींबू है और ये है कभी कभी प्याज, प्याज है टमाटर नहीं, नहीं तो भी कमेंट करेंगे भाई कहा प्याज कटा टमाटर बोल दिया है। तो देखिए अब इसके अंदर हम ये त्रिफला नमक लिया है, चुटकी से या चम्मच से डालता हूँ अंदाज के, एक प्लेट बनाया ये त्रिफला नमक इस बटर में डाला है। फिर ये दर्दी धनिया डाली है, ये देखिए ये दर्दी धनिया हो गई। उसके बाद ये जीरा डाल दिया है, उसके बाद ये टमाटर वाली चटनी, टमाटर हरी मिर्च और नमक की बनाई हुई चटनी, ये देखिए। अगर आप चाहो तो कुटी मिर्च ले लो, ये देखो आप ऊपर है, ये कुटी मिर्च डाल दिया है, और ये चाहो तो हरी वाली मिर्च भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन हम कुटी मिर्च आज खाने का दिल कर रहा है तो कुटी मिर्च डालेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम प्याज डाल रहे हैं, ये देखिए, फिर इसको मिक्स कर लो, ये इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये मिक्स कर लिया है, उसके बाद हम थोड़ा नींबू निचोड़ देते हैं, ये नींबू निचोड़ दिया, अभी बताएंगे कैसा बन रहा है, ये बहुत जानदार बनता है। ये भी चाट बहुत पुरानी थी, ये देखिए, ये बहुत सारे लोग इसमें इमली का पानी डाल देते हैं, कुछ लोग मीठी चटनी भी यूज करते हैं, मीठी चटनी भी चाहो तो बनी रखी है लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं, ये देखिए, इसमें कोई चिकना नहीं है, कुछ नहीं है, हार्ट पेशेंट भी इसे खा सकते हैं आराम से अपने हिसाब से बना के, और शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। अभी देख लेते पहले खा के, बहुत आसान है बनाना, बहुत मज़ेदार है, बनाना। आप चाहो तो इसमें मीठी चटनी यूज कर सकते हो, आप के ऊपर है, जो बताई थी मैंने चटनी और खट्टी चिट्टी चटनी यूज कर सकते हो, मैंने तो टमाटर की चटनी बनाई थी, बहुत सुपर हिट बना है, बाई चांस ना बने तो हमें फोन कर देना और हमें मुर्गा बना देना फोन करके भाई, कि मज़ा नहीं आया था, डायरेक्ट भूल लेगा। तो हमारा नंबर भी बता दूँ, 8175909000 मेरा नंबर है, बाई चांस ना बना पाना तो हमें फोन जरूर करना।
सुपर हिट ऐसे बनाते रहो, ऐसे बनाते रहो, मोहल्ले वालों को भी खिलाते रहो, खुद खाते रहो, सब खुश हो जाएंगे। ये थोड़ा जीरा और डाल देते हो, खुशबू आ जाएगी, भुना जीरा बहुत मज़ेदार लगता है, ये बहुत चटपटा बना है। पहले लोग पत्ते बनाते हैं, बहुत सारे लोग पत्ते बना रहे हैं, एक मिनट और खा ले करके टेस्ट करें। ये देखो पत्ते वाला मटर, और कल बताएंगे आपको चटपटा जीरा आलू, वो भी सुपर बहुत ध्यान लगा के सुनना, उसको चटपटे आलू बनाएंगे जीरे वाले, वो भी बहुत बढ़िया जानदार बनेगा। सुबह सुबह मुँह में आपको पानी आ रहा होगा, हमारा तो ख़त्म हो रहा है, हम तो बना के भैया खा रहे हैं, और लंदन मेरी बहन एक कहती हैं, उनके सारे बच्चे खुश हो जाएंगे बनाएंगे, बोले हाँ ऐसा बहुत मज़ा आया, घर पे रहो, हम भी घर पे ही हैं, तभी तो मौका मिल रहा है, कहाँ मौका मिलता था, सब देसी आइटम बनाने का तो समय नहीं था, घर से लॉकडाउन लग गया है, तब तो घर में बनाओ, वीडियो देखते रहो फर्स्ट क्लास मेरे, अगर दिल करे तो, अगर जरूरत पड़े तो देखो, वरना कोई बात नहीं, अगर आपको कभी तड़प, जब आप वीडियो देखते हैं तो मेरा दिल यहाँ मचलता है कि कोई चाहने वाला मेरा वीडियो देख रहा और बना नहीं पा रहा है, और हमारे सभी यूट्यूब के परिवार के सदस्य आपके लिए हम तालियां बजा रहे हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए हम तालियां बजाए हैं और बजाते रहेंगे आपके लिए तालियां, और कोशिश करना कि हम संडे को या सैटरडे को फिर यूट्यूब पे लाइव आएंगे, और एक दिन लाइव वीडियो भी दिखा देंगे कि किचन में कैसे क्या बनाते हैं, तो भी दिखाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। मज़ा तो बहुत आ रहा, अब पानी पियेंगे उसके बाद फिर खाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे, बढ़िया है, ठीक है, और हमेशा मुस्कराते रहो, हंसते रहो, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है सब लोग, ठीक है, चलिए बाय बाय, अगले ब्लॉग में और अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, ठीक है, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, जैसे है वैसे भी आगे टोपी लगा के, कई लोगों ने कमेंट किया था आपकी टोपी, आपका ताज कहाँ गया, तो धुलने गई थी, धुल के आ गई, आज लगा लिया, चलो टोपी लगा लेते, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे आप, है चलो ठीक है, ठीक है भाई, चलो नमस्कार दोस्तों, ठीक है।